आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किसी भी पीडीएफ को एडिट कैसे किया जाता है। अगर आप भी किसी पीडीएफ को एडिट करना चाहते हैं या फिर आप परेशान हैं किसी भी पीडीएफ को एडिट कैसे करें, तो आज इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ किसी भी पीडीएफ को एडिट कैसे किया जाता है। उसके लिए आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना होगा। चलिए मैंने यहाँ से अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च के ऑप्शन में टाइप करना होगा आई लव पीडीएफ एडिटर। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट पीडीएफ ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर। तो जैसे ही आप इस सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक फाइल खुलकर आएगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिलेक्ट पीडीएफ फाइल। उसके ऊपर में आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ एडिटर। तो दोस्तों आप यहां से किसी भी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप पीडीएफ को जहां पे भी सेव कर रखे हैं, सपोज दैट मैंने डी ड्राइव में एक पैन कार्ड का फॉर्म को सेव कर रखा है, तो यहां से मैं इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही डबल क्लिक कर लेता हूं तो आप यहां पे देखिए एक रेड कलर का लाइन अप हो रहा है, मतलब ये पीडीएफ अपलोड हो रहा है। तो चलिए इस पीडीएफ को अपलोड होने देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पीडीएफ खुलकर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इस पीडीएफ को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए मैं इसे दिखा देता हूँ ए का। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको योर टेक्स्ट हेयर वन का एक ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आप जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं। उस टाइप करने के बाद आप इस पीडीएफ को जहाँ इस टाइप को आप जहाँ पे भी चाहे वहां आप रख सकते हैं। चलिए मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे सिग्नेचर होता है तो यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को रख दिया है। अब चलिए मैं इसे सेव करके दिखाता हूँ ये पीडीएफ प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ एक ऑप्शंस दिख रहा होगा एडिट पीडीएफ का। तो एडिट पीडीएफ के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हो दोस्तों डाउनलोड का एक ऑप्शन आ चुका है। तो सिंपली आपको इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये प्रॉपरली वर्क हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अब चलिए मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने डाउनलोड किया है टेक्स्ट को एडिट करके वो प्रॉपरली वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आ गया हूँ, उसके बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो भी मैंने एडिट किया हुआ था नेम के ऑप्शन नेम की जगह पे वो प्रॉपर वर्क हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।